अस्सलाम वालेकुम। लसा नवाब में पीटीआई का पावर शो, जिसमें पीके 38 जायद चंदजैब और एन 15 से नवाज शरीफ को भारी अक्सरियत में शिकस्त देने वाले शहजादा गस्तासफ ने शिरकत की। लसा नवाब पहुँचने पर मलक मोहम्मद अमायून और जुहैब हबीब, कौंसलर अली जमान, सीनियर साफ़ी चंगेज़ खान, मलक मोहम्मद जमील शकूकी, उमर हबीब, लसा नवाब और लसा नवाब के दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने मेहमानों का पुरजोश इस्तकबाल किया गया। दोनों मेहमानों को एक बहुत बड़ी रैली की शक्ल में जलसगाह पहुँचाया गया। जुहैब हबीब ने अपने मुख्तसर खिताब में कहा कि हमारे इलाके में बच्चियों के लिए कॉलेज नहीं है और सबसे पहले हमें बच्चियों के लिए कॉलेज दिया जाए और यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाया जाए। जलसगाह में मौजूद पीटीआई टाइगरों ने जुहैब हबीब की इन बातों से इत्तफाक़ किया। जलसे के अख्ताम पर मेहमानों के लिए टी पार्टी का भी एहतमाम किया गया। अवामी लीडर अवाम के दरमियान मुशीर सियात जायद चंदजैब और शहजादा गस्तासफ का ज़िला मानसरा के इलाके लसा नवाब का दौरा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीरीना वर्कर हबीबुल्ला अख्तर आवान पाकिस्तान बिजनेस कम्युनिटी के सदर ताजिकिस्तान के घर पर टी पार्टी में शिरकत। घर पहुंचने पर जुहैब हबीब ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। इस मौके पर लसा नवाब के दीगर अमायदीन मलक मोहम्मद अमायून, जहांगीर अवान, आशम हबीब, उमर हबीब और दीगर ने भी शिरकत की। जायद चंदजैब और शहजादा गस्तासफ ने आवाम का शुक्रिया अदा किया और अपने इलाके की भरपूर खिदमत करने का अज़्म किया। इस मौके पर पीटीआई के देरीना वर्कर जुहैब हबीब ने मेहमानों को अपने इलाके के मसाइल का बताया और इनको फिलफोर हल करने पर जोर दिया। आखिर में दोनों मेहमानों ने जुहैब हबीब का शुक्रिया अदा किया और उनको यकीन दिलाया कि लसा नवाब के तमाम मसाइल बहुत जल्द हल करेंगे।